प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग का जो प्यार स्नेह मुझको मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोग मेरे वीडियो प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा ये पूरा प्रयास है कि अपने प्रोग्राम, अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुंडली के प्रत्येक उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आप लोग इसी आस्था प्यार से मेरे कार्यक्रम को देखते रहें। कुछ लोगों का फरमाइश आया है कि शनि राहु ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में क्या प्रभाव देता है। एक बहुत अच्छा वीडियो है, इसको शांति से सुनिए। मैं लग्न से लेके के मीन तक बारह भाव का प्रभाव बता रहा हूँ। जिसके कुंडली में लग्न में शनि राहु की युक्ति है, ऐसे लोग एक कार्य करने की क्षमता अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोगों की सोच गंदी होती है, ऐसे लोग की बुद्धि, ऐसे कुंडली वालों की बुद्धि चलायवान होती है, जीवन में इनके संघर्ष बना रहता है। जिसकी कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है, अपने मेहनत से परिश्रम से अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन में अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। इसकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि राहु की युक्ति, ऐसे लोग का जीवन बहुत ही सफल होता है, ऐसे लोग माता पिता भाई बंधुओं से सहयोग पाते हैं, ऐसे लोग बचपन से ही कार्य में लीन होते हैं, ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं, उद्योग के द्वारा भी धन कमाते हैं, और इनके जीवन में जो भी सफलता मिलता है वो स्वयं का बना है। इसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शनि राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक पीड़ा में रहते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, परिश्रम का इनको सही लाभ नहीं मिलता है, हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में शनि राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग को संतान सुख में विलम्ब होता है, ऐसे लोग जीवन में हमेशा संघर्ष अधिक करते हैं और मानसिक पीड़ा में रहते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शनि राहु की युक्ति, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति शत्रुओं से परेशान रहते हैं, मानसिक परेशानी रहती है, बनते कार्य में रुकावट आते हैं और अकारण इनकी इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला होता है। जिसकी कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि राहु की युक्ति, ऐसे कुंडली वाले को सरकार से अक्षमातिक पद मिलता है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, इच्छा अनुसार शादी होती है, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन में विचारों का मतभेद बना रहता है। जिसके कुंडली में लग्न आठवें भाव में लग्न से आठवें भाव में शनि राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, संकित विचार के होते हैं और उदर रोग से पीड़ित होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शनि राहु की युक्ति,
ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, हमेशा कर्जे में रहते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं मिलती है, व्यापार में घाटा खा जाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शनि राहु की युक्ति है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं। परंतु समय समय पर इनको मानसिक पीड़ा बनी रहती है। इसकी कुंडली में लग्न से ग्रहणे भाव में शनि राहु की युक्ति हो, क्या बातें बोलते हैं, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा करोड़ों रुपया कमाते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग उद्योग और व्यापार से भी अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग शेयर से भी अच्छा रुपया कमाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शनि राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग के संतान के विचारों से मतभेद करता है, कमाए हुए धन इनसे बर्बाद हो जाते हैं, अपनों से धोखा खाते हैं, और चौथा पद इनका बहुत सुखदायी नहीं रहता। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, शनि राहु की युक्ति किन कुंडली के प्रत्येक लग्नों में प्रत्येक भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है। जैसे आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ये भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। मैं हर वीडियो में अनुरोध करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। परंतु कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, शुल्क आप पूछ लेंगे, मैं इसके बाद अगर शुल्क देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।